गाइस अगर आप केएफसी चिकन का ऑर्डर करना चाहते हैं लेकिन आपके घर पे एड्रेस पे डिलीवर नहीं हो रहा ऑर्डर, केएफसी आपके घर पे ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर रहा है, तो आप जोमेटो एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। जोमेटो आपके घर पे केएफसी चिकन डिलीवर कर देगा। तो गाइस कैसे आपने केएफसी चिकन का ऑर्डर करना है वो भी जोमेटो एप्लीकेशन से, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपने जोमेटो एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप जोमेटो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, केएफसी चिकन या केएफसी स्टोर, यहाँ पे आपको जो केएफसी के रेस्टोरेंट होते हैं उसको आपने सर्च करना है। तो गाइस आपको जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपने अपने डिवाइस की लोकेशन को एनेबल कर देना है, यानी कि आपने अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है केएफसी। जैसे गाइस आप केएफसी यहाँ पे टाइप करेंगे आपको प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके एरिया में आपके नियर बाय कोई केएफसी का स्टोर होगा तो आपको यहां पे उसका लोकेशन शो कर देगा, या फिर आप केएफसी ऑल आउटलेट्स नियर यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो भी आउटलेट्स होंगे केएफसी के आपके आसपास के एरिया में वो आपको सब यहां पे शो हो जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं खानपुर में रहता हूं और यहां पे आप देखेंगे कि खानपुर में भी केएफसी का स्टोर है, शाकेत में भी है, और यहां पे आसपास के जो भी एरिया में 5 से 10 किलोमीटर जो भी मुझे डिलीवर कर सकते हैं वो सब यहां पे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी स्टोर से यहाँ से केएफसी चिकन ऑर्डर कर सकता हूँ। तो कोई भी एक नियर बाय का आपने स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे साकेत का स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको फिर इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको मेन्यू दिख जाएगा तो आपने जो भी आइटम का आप ऑर्डर करना चाहते हैं आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके अपनी मनपसंद आइटम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने बर्गर ऑर्डर करना है या फिर आपने केएफसी चिकन ऑर्डर करना है, जो भी आइटम आपने ऑर्डर करना है आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी आप देखेंगे कि मान लीजिए ये इनका बकेट है, चिकन का जो बकेट है जिसका नेम है बिग एट, इसका प्राइस है 699 रुपीज़। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एड वाले बटन पे। जैसे मैं एड वाले बटन पे क्लिक करूंगा अब ये यहाँ पे आपको दिखा देगा क्या क्या आइटम है। उसके बाद गाइस आपने एड आइटम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एड आइटम पे क्लिक करेंगे आपका जो आइटम है वो कार्ट में एड हो गया है। उसके बाद गाइस आपने नेक्स्ट बटन पे नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपका आपके कार्ट में शो हो जाएगा आइटम आपका जो भी आपने ऐड किया होगा। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहाँ पे आपको कूपन का सेक्शन दिखाई देगा। अगर कोई कूपन या ऑफर चल रहा होगा यहाँ पे तो आपने इस पर क्लिक करके चेक कर लेना। अभी आप देख सकते हैं 20% ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है, आपने अप्लाई टू पे क्लिक कर देना है, कूपन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आपको जो भी डिस्काउंट्स मिलना होगा वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ का डिस्काउंट्स मिल गया है। उसके बाद गाइस आपने थोड़ा सा फिर और नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके। अब आपको यहाँ पे आपका जो प्राइस होगा उसकी समरी आपको दिखा देगा। ये आप देखेंगे 699 रुपीज़ का ये ऑर्डर था, यानी कि प्रोडक्ट था ये जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ फूड, चिकन का जो बकेट है 699 रुपीज़ का ये। इस पर 70 रुपीज़ जिस चार्जेस लग रहे हैं GST वगैरह, और डिलीवरी फ़ी लग रही है 63 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हो रहा है 832 रुपीज़ हो रहा है। उसके बाद माइनस यहाँ पे कर दिया गया है 50 रुपीज़। तो अब मुझे जो नेट पेबल अमाउंट है जो पेमेंट करनी होगी, अब जो मुझे यहाँ पर नेट पेमेंट करनी है, फाइनल पेमेंट जो करनी है वो 782 रुपये 15 पैसे पेमेंट करनी है। तो गाइस पेमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट एड्रेस एट नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपना जिस मोड के थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं आपने वो मोड सिलेक्ट कर लेना। अगर COD अवेलेबल है तो आप COD को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे COD अवेलेबल नहीं है मेरे इस एरिया में, या मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ अभी इस वक्त, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ MobiQuick से या Paytm से, या फिर मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंड नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी मोड से पेमेंट कर सकता हूँ। तो आपने ऐसे पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अभी पेमेंट मोड सिलेक्ट कर रखा अपने डेबिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद गाइस आपने सिलेक्ट एड्रेस एट नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना एड्रेस ऐड कर लेना है, न्यू एड्रेस, या आपने अगर ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस आपका ऑर्डर उस एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया है, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे बिल्कुल फुल्ली कंप्लीटेड है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे पेमेंट करूँगा ऑर्डर की, उसके बाद मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।
तो इस प्रकार से गाइस आप KFC चिकन ऑर्डर कर सकते हैं जोमेटो एप्लीकेशन के थ्रू। बहुत ही इजी तरीका है, आप अपने घर पे KFC चिकन मंगा सकते हैं आसानी से। KFC के एप्लीकेशन से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपको सर्विस ना मिले, डिलीवर ना हो, आपको खुद ही वहां पे जाके पिक करना पड़ेगा, लेकिन आप जोमेटो के थ्रू अपने घर पे ही ऑर्डर मंगा सकते हैं। तो आशा करता हूं गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो से हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।